हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घर में पड़ी बेकार प्लास्टिक की पोलोथीन से डोरमैट। तो यहाँ पर देखिए, हमें इसको इस तरीके से कट कर लेना है। पोलोथीन को हमने एक सार करके रख लिया है और नीचे से कट कर लेंगे और करीब 2 से 2.5 इंच चौड़ी या 3 इंच चौड़ी, आप जिस हिसाब का बनाना चाहें उस हिसाब से कट कर लें। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच चौड़ी इस पॉलीथीन को कट किया है। इस तरीके से इसमें से स्ट्रिप करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक पॉलीथीन से हमने 4 स्ट्रिप कट कर ली हैं और इसको इस तरीके से दबाएंगे और दूसरी को इसमें से निकालेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसमें से घुमा के निकाल के फंदे वाली नॉट लग जाएगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इन सब की हमें एक कर लेना है। इसी तरीके से काफ़ी सारी पन्नियाँ काट के और सब एक कलर की एक साथ जॉइंट करेंगे। इस तरीके से पूरी पन्नियों को कट करके गोला बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें सारी पन्नियों को गोल करके एक गुल्ला बना लेना है। इस तरीके से सबको हमें जॉइंट कर लेना है एक साथ। तो यहाँ पर देखिए, इन सबको हमने जॉइंट कर लिया है। ये डोरमेट बनाया है, किस तरीके से बनाया है चलिए इसको हम आपको बताएंगे। ये पोलोथीन से ही बनाया है। तो यहाँ पर सारी पन्नियों को हमने जॉइंट कर लिया है और हमने सिलाई ली है और इसको इस तरीके से यहाँ पर फंदे डालने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें फंदे डालने हैं और 40 फंदे डाल के तैयार करेंगे। तो देखिए, फंदे डालना बहुत आसान है। इस तरीके से एक बार घुमाते हुए फंदे को डालना है और ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है। अगर ज़्यादा टाइट खींचते हैं पहले फंदे को तो फिर वो अच्छे से निकलता नहीं है दूसरी सिलाई से, ठीक है। तो इस तरीके से डाल के हमें 40 फंदे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसमें 40 फंदे डाल लिए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको गिन लेना है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरी सिलाई को इस तरीके से निकालना है इसमें से हमें और इस पोलोथीन में बल ले देना है और तब इसे निकालना है, ठीक है। तो पहली सिलाई को हम लूज छोड़ते हैं, फिर भी वो टाइट ही निकलती है पोलोथीन की। तो यहाँ पर देखिए, इतना हमने बना लिया है इसको और सिंपल ही बिना है। एक सिलाई को इधर से उतार के ले गए हैं, फिर इधर से। इसमें ना ही कोई फंदा घटाया है ना ही कोई बढ़ाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाया है। इसे ही जैसे हम अभी आपको बिनना बता रहे हैं, सेम तरीके से इसे ही बिना है। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही बिनना है पूरे को, ठीक है।
और भी कई तरीके के हमने डोरमेट अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो इसी तरीके से इसे हमें और बुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना बिन लिया है हमने। सेम तरीके से इसे पूरा करेंगे, इसी तरीके से और बिन लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसे पूरा कर लिया है। और एक सिलाई और लास्ट में निकाल के दिखा देंगे। और जब भी आप पोलोथीन को लें तो बल लगा के ही लें, इस चीज़ का ध्यान रहे, नहीं तो ये सिलाई में चिपकती है, ठीक है। फंदे अच्छे से लिपते नहीं हैं इसके। तो इसी तरीके से इसमें एक सिलाई और निकाल लेंगे। और राउंड शेप में भी हम जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे कि पोलोथीन से राउंड शेप में किस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसे हमें बंद करना है, तो दो फंदों को हमने एक साथ लिया है और फिर इस फंदे को वापस से इस सिलाई में ले लेना है और फिर से हमें डबल फंदा लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से बुनना है, वापस इसको इसी में डालते जाएंगे जो लास्ट वाली सिलाई होती है हमारी, तो उसे ऐसे ही बंद करना होता है, तो इससे अच्छे से शेप आती है इसकी। तो यहां पर देखिए हमने इतना बंद कर लिया है इसको। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से इसकी किनारी आई है, ठीक है। तो इस तरीके से ही पूरे को हमें इसे बंद करना है। तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई फंदा निकालें तो पोलोथीन में बल दे लेना है, इस चीज़ का ध्यान रहे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आखिरी फंदा था, इसको निकाल लिया। थोड़ा सा यहाँ पर लूज करेंगे और इस पोलोथीन को इसकी अंदर से निकालेंगे। तो इस तरीके से निकाल के इसे टाइट करना है और एक और नॉट लगा देनी है यहाँ पर इस तरीके से घुमा के। तो ये हमारा डोरमेट बहुत ही अच्छा बन के आया है। अब इसे यहाँ से अच्छे से खींच के और अब थोड़ा सा यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो पूरा डोरमेट बन के कम्प्लीट है। ये किस तरीके से बनाया है हमने आपको बता दिया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसे आप कैसे भी धुल सकते हो। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।